ऐसे कानून जो केंद्र में बनते हैं या जो पार्लियामेंट में बनते हैं उसके लिए तो दिल्ली आना पड़ेगा, लोगों को यहीं आके प्रदर्शन करते हैं, या जो स्टेट से स्टेट के सब्जेक्ट हैं वो स्टेट में जाते हैं, वहाँ की राजधानी में जाते हैं। तो इस तरह से मतलब किसी को रोक देना, कहने का मतलब है लोकतंत्र की तो आप दुहाई दे के लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हैं। किसान का मांग तो पूरा ही हो रहा है, क्या नहीं पूरा हो रहा है, सब चीज़ तो हो ही रहा है, वो लोग खालिस्तानी है और विपक्ष की तो अब आवाज़ ही नहीं है। अब जो आवाज़ है वो इन्हीं आंदोलनों से आ रही है। पिछला किसान आंदोलन हुआ था उसमें सरकार को झुकना पड़ा, वो अपने 3 कानून वापस लेने पड़े। मतलब ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रहे हैं, रबड़ की गोलियां चला रही है, और अगर दूसरी तरह की, यहाँ तो कई आदमी तो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी मशीनें रखी गई हैं जो सिर्फ वार जोन में ही काम आती हैं, वो तक मशीनें वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। यार बताएं ना किसान की क्या डिमांड है और हम उसके लिए क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, वो भी तो बाहर बताएं ना, वो पब्लिकली करनी चाहिए। उस सब का जो किसान होता है अपना किसान में रोजगार में ध्यान देता है, ना कि वो दिन दिन भर वहाँ बैठे रहे, किसके पास इतना टाइम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूँ शिवराजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सीपी पे। जैसा कि आपको पता है किसान और सरकार के बीच इतने टाइम से चली हुई वार्ता का कोई फल नहीं निकल पाया, किसी परिणाम पे किसान और सरकार की वार्ता नहीं पहुंची। इसके बाद जो किसान है उन्होंने फिर से एक बार दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। हमारे देश में जो पुलिस है उसका ये काम है कि वो मतलब प्रदर्शनकारियों को रोके प्रदर्शन करने से, नहीं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि भाई ये प्रदर्शन काबू से बाहर हो रहा है, वहाँ पे पुलिस का अपना रोल है। लेकिन अगर आप ये काम किया जाए कि भाई कोई भी प्रदर्शन कोई भी आंदोलन शुरू होने से पहले उसको बैरिकेडिंग कर दी जाए, उसको रोकने के लिए इंतज़ाम कर दिए जाएँ, और अगर कोई किसी भी तरह का कोई मतलब आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उस पर आंसू गैस छोड़े जाएँ, तो ये मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। अगर हमें अब कुछ चाहिए, अगर अपने देश को कुछ चाहिए तो वो कहाँ जाके प्रदर्शन करेंगे। अगर ऐसे कानून जो केंद्र में बनते हैं या जो पार्लियामेंट में बनते हैं उसके लिए तो दिल्ली आना पड़ेगा, लोगों को यहीं आके प्रदर्शन करते हैं, या जो स्टेट से स्टेट के सब्जेक्ट हैं वो स्टेट में जाते हैं, वहाँ की राजधानी में जाते हैं। तो इस तरह से मतलब किसी को रोक देना, कहने का मतलब है लोकतंत्र की तो आप दुहाई दे के लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हैं कि भाई आप किसी को प्रदर्शन करने से वो अपनी डिमांड नहीं रख पाएगा, ऐसे तो फिर तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी ना। फिर तो मतलब आपसे ने एक बार 5 साल के लिए सरकार चुन दी है तो ये बहुत बढ़िया है, ये जो मर्जी करें। और अभी पता है मोदी जी हर तरह के इंस्टीट्यूशंस को अपने पक्ष में लेकर करके और चुनाव जीत रहे हैं लगातार। उसमें ईडी है, उसमें चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के लिए कानून बदल दिए गए हैं, और विपक्ष की तो अब आवाज़ ही नहीं है। अब जो आवाज़ है वो इन्हीं आंदोलनों से आ रही है। पिछला किसान आंदोलन हुआ था उसमें सरकार को झुकना पड़ा, वो अपने 3 कानून वापस लेने पड़े जो कि उन्होंने पहले अध्यादेश के जरिए बनाए थे, फिर उसको पार्लियामेंट में मतलब बना दिए कानून, तो उसमें अपोजिशन का रोल कहाँ था। लेकिन खुद ही सरकार को वापस लेने पड़े ना कानून, क्योंकि किसान के आगे वो नहीं टिक पाई। तो अगर जनता आवाज़ बनेगी तो देखो डेमोक्रेसी शायद हमारी बचे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल लग रहा है जैसे हालात बनते जा रहे हैं आगे। सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हम इसलिए प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं कि ये लोग ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, कोर्ट ने बोला कि प्रदर्शन में ट्रैक्टर का क्या काम है। ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया है, आप पुलिस बोल सकते हैं कि आप आए ट्रैक्टर पर बैन है कि ट्रैक्टर आप यहाँ पार्क करके आएँ, लेकिन उनको आने तो देना, उनको अपनी बात लोगों को समझाने दें, सरकार को समझाने के लिए दें। अगर आंदोलन करेंगे तो हमको पता लगेगा ना कि भी उनकी क्या 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 डिमांड्स है। ठीक है, ये तो रियलिटी है ना। मतलब आप अगर ऐसा लगता है, पुलिस को ऐसा लगता है, पुलिस कोर्ट गई होगी, सरकार कोर्ट गई होगी, या खुद किसान कोर्ट गए होंगे, तो एक ऐसा डिसीजन निकला कि भाई आप जो तर्क दे रहे हैं कि भाई ये परेशानियां आती हैं, तो कोर्ट ने अपना सुझाव कर दिया कि ठीक है आप ट्रैक्टर लेके मत आएँ, आप ट्रैक्टर वहीं पार्क कर दें, उसके बाद आप अपने आप आ जाएं दिल्ली में प्रदर्शन करें जो करना है। तो लेकिन सरकार तो वो भी नहीं करने देने के लिए तैयार ना, सरकार तो उन पर आंसू गैस छोड़ रही है, उस पर मतलब ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रहे हैं, रबड़ की गोलियां चला रही है, और अगर दूसरी तरह की, यहाँ तो कई आदमी तो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी मशीनें रखी गई हैं जो सिर्फ वार जोन में ही काम आती हैं, वो तक मशीनें वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं, तो फिर वो आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को। सर ये इस प्रोटेस्ट में दिखाया गया, कई तरफ दिखाया गया, फुटेज सामने आ रही है जिसमें खालिस्तान की मांग उठाते देखे जा रहे हैं कई लोग, क्या कहना चाहेंगे सर? वो कितने लोग होंगे ऐसा कि आप एक पूरा या तो खालिस्तान की डिमांड हो रही है, एक पूरा का पूरा नैरेटिव बन रहा है जिसको मीडिया दबा रहा है, वो है साउथ और ईस्ट की पॉलिटिक्स और साउथ और नॉर्थ की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स के बारे में तो अभी मीडिया बात नहीं कर रहा, वो तो इस खालिस्तान से बड़े मसले पर जाएगी। क्या पंजाब के लोग, एक बात सुनिए, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि खालिस्तान जैसी कोई चीज़ मतलब बन जाए? अभी तो प्रैक्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अगर सरकारें इस तरह से रहेंगी कि जो लोगों की बात नहीं मानेगी, जो लोगों को साथ लेके नहीं चलेगी, तो ये चीज़ें कल मतलब क्या हो, मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं कल। तो सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो सबकी सुने, सबको साथ लेके चले। ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी की बात होती है तो सरकार अपनी बात भी रखे ना कि भाई हम MSP नहीं दे सकते, इसके ये नुकसान है। बिल्कुल, बिल्कुल।
ये नुकसान है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोला जाता है ना 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या सरकार बोल रही है इस बात को 17 लाख रुपए खर्च होंगे सब्सिडी देने में? तो क्या सरकार का कोई प्रवक्ता आके बोल रहा है या सरकारी तौर पे ये बातें आ रही हैं? हाँ, कोई ऐसा प्रवक्ता होता है जो बोलता है जी मुझे सरकार से मतलब नहीं है, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, वो बोल रहा है ये बात की भी 17 लाख करोड़ रुपये खर्च हो जाएगा सरकार का सब्सिडी देने पर, सॉरी MSP पे खरीदने पर। तो ये गलत तथ्य देना, ये सब देना, ये भी तो गलत बात है ना सर। लेकिन अब तक 4-4 दौर की मीटिंग हो गई प्रवक्ता सरकार की तरफ से, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, मांग नहीं रहे किसान, क्या लगा? तो सरकार बताए ना किसान की क्या डिमांड है और हम उसके लिए क्या सलूशन दे रहे हैं, वो भी तो बाहर बताए ना, वो पब्लिकली करनी चाहिए, उसको पब्लिकली नहीं किया जाता। आप क्या देख रहे हैं जो सर इनकी किसानों की मांग है, MSP को लेकर मांग है, इनका कहना है कि पेंशन जो है पेंशन दे दी जाए, 10-10 हज़ार रुपये पेंशन कर दी जाए, क्या लग रहा है सर? 10 हज़ार रुपये साल या महीने की, इसका तो मुझे नहीं पता। नहीं, जो 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 मांग नहीं मानी जा सकती उसके बारे में तो बोलेंगे ही ना कि ये मांग नहीं मानी जा सकती कि भाई 10 हज़ार रुपये एक ऐसे किसान को देना जिसके पास 20 एकड़ जमीन है या 5 एकड़ से ज़्यादा 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है, उसको देना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए तो सरकार कर ही रही है, 6 हज़ार रुपये साल का शायद देती है, ठीक है, साल 2 हज़ार रुपये महीना नहीं, एक मतलब 3 किश्तों में जाता है, 6 हज़ार रुपये साल का, 2-2 हज़ार रुपये करके जाता है। तो सरकार तो ऐसे काम करती है, लेकिन ये कहने का मतलब है जो प्रैक्टिकल है उसकी बात तो करें ना सर। ये प्रैक्टिकल में एक बात उठ जाती है बार बार की, जो किसान जितने भी आए हैं मेजोरिटी जो है वो सारे पंजाब के हैं, कहीं दूसरे राज्यों के किसान क्यों नहीं आ रहे? लोग किसान भी इवन कई समुदाय के कह रहे हैं कि हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को दिक्कत आ रही है। हाँ, तो MSP कितने 6% लोगों को मिल रहा है ना। अब एक बात सुनिए, बिहार का किसान जो है मार्जिनल, आज मतलब इसी बात पे देख रहा था कि बिहार में जो खेती की जा रही है वो सिर्फ पेट भरने के लिए की जा रही है। तो बिहार में किसान कितना मतलब अनाज निकाल के भारत को दे पाता है? ज़्यादातर तो पंजाब से हरियाणा से अनाज निकल के आता है ना जो भारत में चल रहा है, या दूसरे स्टेट्स हैं, MP गया है वहाँ पे दाम अच्छे मिलते हैं। पंजाब में तो आप तभी आज गेहूँ इतना ज़्यादा पैदा किया जा रहा है कि उसका MSP नहीं देंगे तो भाव इतना नीचे गिर जाएगा कि किसान वो सहन नहीं कर पाएगा। तो ये गारंटी चाहिए ना। तो सरकार ये बोले कि नहीं, हम सिर्फ गेहूँ पे गारंटी नहीं देते, हम और दूसरी चीज़ों पे भी दे देते हैं, बाजरे पे दे देते हैं। अब ये तो खेती का तो शायद ऐसा विषय है कि बस MSP भी स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। तो हरियाणा में बाजरे के ऊपर शायद MSP है, वो हरियाणा गवर्नमेंट में तैयार है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने साफ बोला हुआ है कि राजस्थान से आगे यहाँ कोई वो नहीं बेच सकता बाजरा। तो ऐसी सरकार बनाए ना, उसमें जो है राजस्थान के किसान भी कवर हो जाएं कि उनको भी बाजरे के ऊपर आपको MSP मिले, या दूसरी चीज़ें जो मशहूर मतलब क्या होता है, ज्वार है, ज्वार जिन स्टेटों में पैदा होता है वहाँ भी उनको MSP मिले। अब गन्ने पे तो एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप कोई भी किसान मिल पे ले जाएगा गन्ना, तो उसको एक सर्टन परचे भाव पे गन्ना खरीदना पड़ेगा। अब ये है कि गन्ना ज़्यादा आ रहा है तो इसके लिए मिले रेट गिरा दें, ऐसा तो नहीं होगा ना, उसको चीनी बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक एक तरफ मेजोरिटी जो हमने बात की पंजाब की ही है, और ये जो है ये लेकर ये केंद्र स्टेट सरकार भी बना सकती है, तो लोग स्टेट सरकार से क्यों नहीं मांग करते और केंद्र नहीं सुन रही है? भाई केंद्र फिर ऐसा रूल कर दे ना, केंद्र फिर ऐसा कर दे कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप करे, इसको अपना संभाले। जब क्या बोलते हैं उसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो तो सरकारी कंपनी है, वही परचेज कर रही है ना। तो वो या ऐसी मतलब कॉर्पोरेशन बना दे जो कि पंजाब गवर्नमेंट संभाले, उतना हिस्सा पंजाब गवर्नमेंट को दे दे, उतने फंड्स दे दे। तो ये तो कानून पार्लियामेंट में बनेंगे ना, ये तो हम नहीं बना सकते कानून। अभी जो गेहूं की परचेज है या चावल की परचेज है वो तो FCI करता है। जी बिल्कुल। तो क्या लगा सर आपको, ये लोग आ जाएंगे देश के अंदर? अब जिस हिसाब से देखा जा रहा है माहौल जो हो रहा है, ये दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं बॉर्डर पर, क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में आ जाएंगे किसान? सर अगर नहीं आए तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं देश में, तो ऐसे ही अपनी पुलिस जो है अपने लोगों के ऊपर वार कर रही है, अपने लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो ये गलत है ना। यही तो सरकार चाह रही है कि किसी भी तरीके से आंदोलन को दबा दें, और जब आंदोलन नहीं दबेगा तो सरकार झुकेगी। जब सरकार को लगेगा कि भाई आंदोलन नहीं दब रहा है तो सरकार झुकेगी। क्यों नहीं मांग रही सरकार? किसान का मांग तो पूरा ही हो रहा है, क्या नहीं पूरा हो रहा है, सब चीज़ तो हो ही रहा है। वो लोग खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी है। अरे उस सब का जो किसान होता है अपना किसान में रोजगार में ध्यान देता है ना, कि वो दिन दिन भर वहाँ बैठे रहे, किसके पास इतना टाइम है? अभी मान के चलो गेहूँ कटने का टाइम है, वो गेहूँ खेत छोड़कर वहाँ क्या करेगा? आप ही बताओ वहाँ क्या करेगा? मांग लेने हमें सही फसलों के रेट नहीं मिलते, MSP लेने क्या नहीं मिलता? सब तो मिल ही रहा है, सब तो मिल, हाँ वो सब सीधा बात है। उन सबको मतलब अलग चाहिए हर चीज़, मतलब सोच रहा है कि मेरा अलग राजमन है और क्या होगा, ये होगा। हाँ हाँ, तो
इनके जो मांगे हैं सही नहीं है, फिर ये जो मांग उठा रहे हैं एमएसपी की मांगे हैं, पेंशन एक नज़र से देखे, विपक्षी के नज़र से देखो तो सही है और मोदी के नज़र देखे तो गलत है। अच्छा हाँ यही है, और मोदी की नज़र से यानी ये मांगे गलत है? गलत है, और विपक्षी की नज़र से देखो तो सही है। हाँ आपकी नज़र से क्या लग रहा है, आपको मांगे क्या है? गलत भी और सही भी, क्या बोले इसमें हम। अच्छा।